नमस्कार, मैं हरीश, आप देख रहे हैं अमरावती सिटी न्यूज़। दोस्तों, अमरावती शहर के अंदर में 6 तारीख से 8 तारीख को महेश नवमी का कार्यक्रम माहेश्वरी समाज ने आयोजित किया है। इसी पर बोलने के लिए समाज के अध्यक्ष जगदीप जी कलंत्री और सचिव नंदकिशोर जी राठी अमरावती सिटी न्यूज चैनल के साथ में दोस्तों जुड़े। चलो तो बात करते हैं यह प्रोग्राम की रूपरेखा कैसी रहेगी। जय महेश, मैं प्राध्यापक जगदीश विक्रमचंद जी कलंत्री, अध्यक्ष श्री माहेश्वरी पंचायत अमरावती। संपूर्ण माहेश्वरी समाज को माहेश्वरी पंचायत के कार्यकारिणी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। अमरावती में श्री माहेश्वरी पंचायत अमरावती की ओर से विगत 30 वर्षों से महेश नवमी महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से हम मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष महेश नवमी महोत्सव का आयोजन माहेश्वरी पंचायत द्वारा 6 जून से 8 जून तक हम मनाने जा रहे हैं। इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन 6 जून को सवेरे 10 बजे माननीय अनिल जी लाहोटी, प्राध्यापक राजेंद्र जी सारडा और विदर्भ प्रादेशिक महिला संगठन की अध्यक्षा सौ भारती जी राठी के उपस्थिति में होने जा रहा है। इसी दिन बच्चों की विविध स्पर्धाओं का आयोजन यहां पर किया गया है। सब खेल कूद स्पर्धा यहां रखी गई है। दूसरे दिन 7 तारीख को सवेरे समाज बंधु जो 81 वर्ष के बुजुर्ग है उनका सहस्त्र जंत्र दर्शन का एक बड़ा आयोजन हम अमरावती में यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसके लिए विशेष अतिथि के रूप में श्री अजय जी काबरा, संगठन मंत्री अखिल भारतवर्षीय महासभा, श्री एडवोकेट श्री रमेश चंद जी जांडक, अध्यक्ष विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन, और श्री शरद जी सोनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्यांचल अखिल भारतवर्षीय युवा संगठन, ये यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इस आयोजन में हम इन महानुभावों का गुलाब पुष्प, शाल, सिरपर और मोमेंटो देकर सत्कार कर रहे हैं। उसके बाद में दोपहर को अमरावती के सभी माहेश्वरी महिला मंडल, जितनी भी मंडल है, उन सभी मंडलों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसी दिन सभी स्पर्धाओं का पुरस्कार वितरण किया जाएगा। दूसरे दिन 8 तारीख को महेश नवमी का जो मुख्य दिन है, उस दिन भगवान राधा कृष्ण मंदिर में भगवान शिव जी का मंत्रोच्चार के साथ में अभिषेक पूजन आरती की जाएगी, जिसके मुख्य यजमान श्री केसरी मलजी लक्ष्मणदास जी झंवर, इनके कर कमलों द्वारा वो पूजा हो रही है। उसके बाद में पूजा आरती प्रसाद के बाद दोपहर को ठीक 5 बजे माहेश्वरी भवन से भगवान शिव जी की शोभा यात्रा का भव्य आयोजन अमरावती प्रतिवर्ष करता है। इस वर्ष भी शाम को 5 बजे ये शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा। अमरावती शहर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए ये शोभा यात्रा पुनः 7:30 बजे राधा कृष्ण मंदिर में पहुंचती है। उसके बाद में यहाँ पर महाआरती का आयोजन होता है और महाआरती होने के बाद में समाज बंधुओं के लिए उत्सव भोज का आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं, जिसमें 3-4 हज़ार समाज बंधु यहाँ पर आकर महेश भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सर, जिस हिसाब से आपने बताया कि शोभा यात्रा का आयोजन होगा, तो आपने यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है इनकी परमिशन ले भी है? इस शोभा यात्रा के लिए हमने ये जो भवन है ये खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन में आता है और शोभा यात्रा जहाँ से भ्रमण करती है ये सिटी कोतवाली के एरिया में आती है। तो खोलापुरी गेट, सिटी कोतवाली और पुलिस आयुक्त, इन तीनों को हम परमिशन लेटर मांगते हैं और तीनों के तरफ से हमको परमिशन मिलती है। हम परमिशन लेकर ही शोभा यात्रा का आयोजन किया। देखा तो दोस्तों आपने, माहेश्वरी भवन के अंदर में जो महेश नवमी का प्रोग्राम होने वाला है इसके लिए पूरी सविस्तर जानकारी दी है अध्यक्ष साहब इन्होंने। चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई खबर के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए अमरावती सिटी न्यूज़।